अब फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। अब क्वेश्चन किस टाइप का आता है एग्जाम में, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस फोर एक्स माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर इसी टाइप की कोई इक्वेशन होगी, हम ये वाला एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं। यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन फोर स्टेजेस, ये दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था। तो या तो आपको इस टाइप की इक्वेशन दी हुई होगी और कहेंगे कि फोर स्टेजेस में आप इसको सॉल्व करके बताओ और ये रूट फाइंड करके बताओ, लेकिन हो सकता है कि आपको दूसरा क्या कहें कि और करेक्ट टू फोर डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू फोर डेसिमल प्लेसेस, और इसको सॉल्व करने का जो मेथड है हम आगे देखते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, पहले एफ एक्स हमें गिवन है एक्स क्यू माइनस फोर एक्स माइनस नाइन, इसमें हमें पुट करना होगा एक्स की वैल्यू जीरो वन टू। कब तक पुट करना है मैं बताती हूँ आपको आगे। जैसे एफ इक्वल टू एक्स इक्वल टू हमने जीरो लिया तो एफ जीरो हमने फाइंड किया और एक्स की जगह जीरो पुट किया तो हमें क्या मिलेगी माइनस नाइन, यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू है। फिर हम वन पुट करेंगे इसमें तो हमें ये वाली वैल्यू फिर से माइनस ट्वेल्व मिल गई, नेगेटिव वैल्यू। फिर टू पुट किया अगेन हमें नेगेटिव वैल्यू मिल गई। फिर हमने थ्री पुट किया तो हमें क्या मिल गई पॉजिटिव। तो जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव साइन आ जाए तो यही स्टॉप करना है आपको। और जो हमारा रूट होगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था रूट, तो रूट जो होगा हमारा टू और थ्री के बीच में होगा, क्योंकि टू सब्सिट्यूट करने पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है और थ्री सब्सिट्यूट करने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन टू एंड थ्री। तो अब हम क्या करेंगे कि लेट ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू थ्री। टू है वो हमें फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और जो थ्री है वो हमें पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें क्या कहा है कि फोर स्टेजेस तक आपको फाइंड आउट करना है, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से लेकर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हमें फाइंड करना होगा। तो इसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहो या फर्स्ट स्टेज कह सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x0 फाइंड करेंगे। आप इसे x1 नेम भी दे सकते हो, क्योंकि हमें फोर स्टेज तक बोला है तो हमें x1, x2, x3, x4 फाइंड करना होगा, या आप कहो x0, x1, x2, x3। तो मैंने यहाँ से x0 से स्टार्ट किया है। तो x0 क्या होता है, जो आपने ये रूट्स लिए हैं, मतलब जो आपने ये a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है उसको प्लस करके आपको 2 से डिवाइड करना होगा, तो x0 फाइंड आउट हो जाएगा। तो 2 प्लस थ्री बाय टू 2.5 आ गई। ये 2.5 वैल्यू आपको जो फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में उसमें इसको पुट करना होगा। तो जब हमने इसमें 2.5 सब्सिट्यूट किया तो हमें अगेन एक नेगेटिव वैल्यू मिल गई, नेगेटिव वैल्यू। और जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप फोर डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करो। अगर हमारा आंसर इतना ही आ रहा है 3.375 तो इतना ही लिखो, राउंड ऑफ भी करोगे आप तो आपको फोर डेसिमल प्लेसेस तक लेना ही है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फोर डेसिमल दिया है। अगर फाइव डेसिमल प्लेसेस बोला है तो आप जो आंसर लोगे वो फाइव डेसिमल के बाद फाइव डिजिट्स तक लेना है आपको। तो क्योंकि अभी हमारी वैल्यू नेगेटिव आई है, तो पहले हमने देखा कि हमने जो टू से वैल्यू फाइंड की थी वो भी नेगेटिव थी और ये भी नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, जब फंक्शन में x0 की वैल्यू या x1 की वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू नेगेटिव आएगी, हम पहले वाली प्रीवियस वैल्यू देखें तो हमारी a की वैल्यू 2 थी और b की वैल्यू 3 थी, और जब हमने 2 सब्सिट्यूट किया था तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई थी और यहां भी नेगेटिव आ रही है। तो हम इस 2 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2.5 से, क्योंकि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव ही रखना है रिजल्ट। तो क्योंकि प्रीवियस वैल्यू जो नेगेटिव आई थी 2 की वजह से आई थी, उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2.5 से। सो द रूट लाइज बिटवीन x0 एंड b, दैट इज बिटवीन 2.5 एंड 3। अगेन 2.5 से हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी फंक्शन की और 3 से हमें पॉजिटिव। ये चाहे तो आप पेंसिल से लिख के रखो जिससे पता चले कि कौन से वाली वैल्यू को हमें एक्सचेंज करना है। अब ये हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या फर्स्ट स्टेज सॉल्व हो गई। तो अब हमें x1 फाइंड आउट करना पड़ेगा और x1 के लिए हमारी a1 की वैल्यू क्या हो गई है 2.5 और b1 की वैल्यू क्या है 3। अब सेम वही प्रोसीजर, x1 कैसे फाइंड करेंगे, a1 प्लस b1 बाय 2, तो a1 इज 2.5 प्लस 3 बाय 2 इज 2.75। अब इस 2.75 को हम अगेन फंक्शन में सब्सिट्यूट करेंगे। तो हमारा गिवन फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस नाइन, तो इसमें हम 2.75 की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। तो 2.75 जब हमने सब्सिट्यूट किया तो यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव वैल्यू आई, क्योंकि हमें 3 डेसिमल तक चाहिए तो आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं।
तो राउंड हमारी वैल्यू ये आ रही थी, लेकिन हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो 8 यहाँ पर 8 है तो इसको हम 7 कर देंगे। तो क्योंकि ये पॉजिटिव आई है और प्रीवियस वैल्यू हमारी क्या थी, प्रीवियस वैल्यू हमारी थी 2.503 और 3 से हमें क्या मिल रहा था, पॉजिटिव वैल्यू। अब हमें 2.75 से पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इस 3 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2.75 से। तो हमारा रूट किसके बीच में लाए करेगा, 2.5 एंड 2.75। सो द रूट लाइज बिटवीन a1 एंड x1, दैट इज बिटवीन 2.5 एंड 2.75। तो अब 2.5 नेगेटिव वैल्यू दे रहा है फंक्शन की और 2.75 पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब हम थर्ड इटरेशन में जाएंगे या थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो हमारी थर्ड स्टेज क्या हो जाएगी, x2 हमारा कैसे फाइंड आउट होगा, जो प्रीवियस वैल्यूज हमने फाइंड की है a और b की, उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 2.5 प्लस 2.75 बाय 2 वैल्यू आ गई 2.625। इसको हम गिवन फंक्शन में सब्सिट्यूट करेंगे x3 माइनस 4x माइनस 9 वाले में, तो अगेन हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अब ये किससे रिप्लेस होगा, हमें 2.625 से नेगेटिव वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, तो प्रीवियस स्टेज में हमें नेगेटिव वैल्यू किससे मिली थी, 2.5 से। इसका मतलब है 2.625 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2.5 से। तो हमारा रूट कहाँ लाई करेगा, रूट लाइज बिटवीन 2.625 एंड 2.75, ठीक है। और 2.625 से हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और 2.75 से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी। अब नेक्स्ट स्टेज में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक बोला है, तो x3 अब क्या हो जाएगा, 2.625 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2.6875, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें फोर्थ तक ही रूट निकालना था। तो लेकिन अगर हम फंक्शन में वैल्यू पुट करके देखें तो इससे क्या आ रही है, हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है जब हम 2.6875 पुट कर रहे हैं। तो हमारा रूट किसके बिटवीन लाई करेगा, बिटवीन, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2.625 से। तो 2.625 की जगह क्या आ जाएगा, 2.6875। तो हमारा रूट लाई करेगा 2.6875 एंड 2.75 के बिटवीन। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये जो x की वैल्यू आई है ये हमारा रियल रूट है जो हमें फाइंड आउट करना था। अगर आपसे कहा होता कि आप करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो क्वेश्चन में 4 डेसिमल प्लेसेस भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं। तो अगर 4 तक बोल रहे हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आपको क्या करना होगा, आपको सॉल्व करते जाना होगा वैल्यूज को। तो जब आप, ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू ये आ गई, अब इसमें फिर से आप निकालोगे x4, तो ये हो जाएगा 2.6875 प्लस 2.75 बाय 2। इसको आप fx फंक्शन में पुट करोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आएगी वो वाली वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे पुट करते करते हमारी x4 की वैल्यू ये आएगी, x5 भी ये आएगी, x6, x7, x8, x9, x10, 11, 12, 13। और देखो 13 पे जाके जो है वो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, सेम 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, पॉइंट डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर ये दोनों सेम आ रही हैं, तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2.7065। तो रूट की वैल्यू हो जाएगी 2.7065। लेकिन ऐसा आपसे नहीं कहेंगे इतना सारा कैलकुलेट करने के लिए, आपको हो सकता है कि इस टाइप का ही क्वेश्चन आए। लेकिन अगर आता है कि डेसिमल प्लेसेस 4 तक करेक्ट आंसर आए, तो वो वाला फाइंड आउट करो, तो आपको ये कैलकुलेशंस भी करनी होगी। तो ये कैलकुलेशंस आप करके देखना और आपको आंसर मिल जाएगा। तो किया क्या हम लोगों ने, हम लोगों ने बस हर बार क्या किया है, fx में वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमें एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए एक पॉजिटिव, fx में सब्सिट्यूट कर रहे हैं, जो भी आंसर आ रहा है अगर वो नेगेटिव है तो प्रीवियस वाले नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा, अगर आंसर पॉजिटिव आया है तो प्रीवियस वाले पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएगा। और ये स्टेप कब तक रिपीट होगी, जब तक जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि 4 स्टेजेस तक अप्लाई करो, तो 4 स्टेजेस, 5 बोला है तो 5 तक, या करेक्ट टू जितनी भी डेसिमल प्लेसेस तक बोला है। तो जब तक आपको ये वैल्यू सेम नहीं मिल जाती है तब तक आपको ये सॉल्व करते जाना है, जहां आपको वैल्यू सेम मिल जाएगी वहां आपको आंसर मिल जाएगा।